today we are going to start with chapter number 10, Life in the Polar Region. In this chapter, we will study about the polar region. वहाँ का हम location देखेंगे, climate देखेंगे, वहाँ पे कैसे plants और animals मिलेंगे, life in the polar region, और हम वहाँ से economy की बात. Polar region are present in the frigid zone of the, जो polar region है, वो आपको frigid zone में मिलेंगे. ये thickly covered होते हैं ice से, और इनके दो तरीके के आपको क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेंगे. पहला क्या होता है कि ये आइस कैप रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और सेकंड क्या है जो इनकी वेजिटेशन है और इनकी पॉपुलेशन. इसको क्या कहा जाता है, इसको तुंद्रा रीजन भी कहा जाता है. इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है. दिस इज योर तुंद्रा रीजन. ये कहाँ लाया करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ये आर्कटिक सर्कल से क्या है, कंसेंट्रेटेड है, और आपका नॉर्थ अलास्का, कनाडा, साइबेरिया, स्वीडन और ग्रीनलैंड आपके साथ किस में आते हैं, आपके तुंद्रा रीजन. क्लाइमेट की बात करते हैं, तुंद्रा रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट ड्यूरिंग विंटर. ठीक है, जो क्लाइमेट है विंटर में वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, और जो टेम्परेचर है वो -70 degrees हो जाता है. एंड दीज एरिया रिसीव स्लैंटिंग सनलाइट. ठीक है, यहाँ पे जो सनलाइट पड़ती है वो कैसी पड़ती है, स्लैंटिंग पड़ती है. ठीक है, क्योंकि ये कहाँ लाया करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाया. ठीक है, तो देयरफोर दे गेट लेस हीट, और जो विंटर सीजन है लास्ट फॉर 2/3 ऑफ द ईयर, और लो टेम्परेचर एंड कोल्ड विंड कॉज स्नो स्टॉर्म्स इन दिस एरिया. इनको क्या कहा जाता है, ब्लिजार्ड कहा जाता है. और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा अर्थ का, वो क्या है आपके कसेनो केबेन आइसलैंड, जो कहाँ सिचुएटेड है, ग्रीनलैंड. अगर हम समर सीजन की बात करें, जो तुंद्रा है वो कैसा क्लाइमेट होता है, कूल क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. जो आइस है वो मेल्ट करती है अपर लेयर ऑफ द अर्थ में, और वो फ्रोजन रहता है, परमानेंटली कैसा रहता है, फ्रोजन रहता है. इसको हम परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, प्रिवेंट करता है ट्रीको फ्रॉम ग्रोइंग एंड वाटर फ्रॉम परकुलेटिंग इन टू द अर्थ. ठीक है, अब हम यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं. जो ग्रीनलैंड है वो लाया करता है पोलर रीजन में, यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है. जो ग्रीनलैंड है वो थिक आइस से कवर्ड होता है पूरे टाइम, यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं होती है. ठीक है, और समर सीजन में आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट ग्रास दिखेंगी, लीचेंस बनेंगे. ठीक है, जब आइस मेल्ट होगा. ठीक है, और जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड से, और ग्रीनलैंड आपका कहाँ लाया करता है, फ्रिजिड ज़ोन. ठीक है, ये आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं. एनिमल्स जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं वो आपको ग्रीनलैंड में मिलते हैं. द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस रीजन आर रेनडियर, पोलर बियर, सीन्स और वेल्वस. जो हस्कीज हैं वो पावरफुल वुल्फ लाइक डॉग्स हैं, वो इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल हैं. दे आर यूज टू पुल स्लेजेस. ठीक है, और कुछ अदर है जैसे आपके आर्टिक फॉक्स हो गए, मस्क ऑक्स हो गए, वेल्स हो गए. ठीक है, ये भी इस रीजन में मिलते हैं. और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हाइब्रेट करते हैं लॉन्ग विंटर सीजन में, और जो वर्ड है वो माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर प्लेसेस. ठीक है, नाउ लाइफ इन द पोलर रीजन, द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. एस्किमोस जो नॉर्थ अमेरिका से माइग्रेट करते हैं, ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका आर प्रेजेंटली लिविंग इन ग्रीनलैंड. जो एस्किमोस हैं वो फर्स्ट और ओरिजिनल रेजिडेंट हैं ग्रीनलैंड के. दे हैव अडैप्टेड टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन. ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या है, अडेप्टिड है. और जो समर है वो ग्रीनलैंड की वो ठंडी है एज कम्पेयर टू विंटर इन इंडिया. ड्यूरिंग द समर सीजन एस्किमोस लिव टेंट्स, एंड द टेंट्स आर मेड अप ऑफ सील और रेनडियर हाइड. ठीक है, वो टेंट में रहते हैं, और जो टेंट होता है वो किसका बना होता है, सील का या फिर रेनडियर हाइड का. ठीक है, इन विंटर दे कंस्ट्रक्ट देयर हाउस बाय कटिंग स्नो ब्लॉक. ठीक है, ये ग्लू बना लेते हैं. ठीक है, ये स्नो हाउस है एस्किमोस का. ठीक है, स्नो से कट करके बनाते हैं. द स्लेज इज द मेन व्हीकल ऑफ एस्किमोस एंड इट इज पुल्ड बाय रेनडियर और हस्की. अगर हम वाटर की बात करें, ये दो तरीके की बोट्स का यूज करते हैं. छोटी बोट जो होती है स्मॉल बोट, उन्हें कायक कहा जाता है, और जो बिगर वाली होती है उन्हें उमेक कहा जाता है. उमेक का यूज करा जाता है फॉर कैरिंग बुक्स एंड पेपर. जो उमेक है उसका यूज करा जाता है लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैरी करना, और वो उनके गुड्स को कैरी करना. एस्किमोस गेट देयर फूड फ्रॉम एनिमल्स जैसे कि सील, वेल्स, पोलर बियर. दे हंट दीज एनिमल्स यूजिंग हार्पियंस. ये हंट करते हैं एनिमल्स को यूजिंग हार्पियंस, स्पीयर्स और बुल. और सील और हंट बाय ट्रिक, एस्किमोस मेक अ होल ऑन टॉप ऑफ द फ्रोजन वाटर.
और जो सील है वो स्विम करते हैं इनसाइड द वॉटर और वो पोस्ट में आते हैं सांस लेने के, ब्रीथ करने. मैरिन वूमेन एस्किमोज वियर द सेम टाइप ऑफ ड्रेस. द स्किन ऑफ सील विद फर इज सुटेबल फॉर क्लोथिंग. और जो जैकेट है विद फूट उसे क्या कहा जाता है, परका कहा जाता है. जो उनकी जैकेट होती है जिसमें फूट होता है उसको क्या कहा जाता है, परका. दे डू नॉट वेस्ट एनी पार्ट ऑफ द सेल. मीट इज यूज एज फूड. बोन्स का यूज करा जाता है नीडल्स बनाने के लिए, हार्पून्स का हेड बनाने के लिए, टेंडन्स बनाने के लिए थ्रेड की, और फिट फैट का यूज करा जाता है एज अ सील. नाउ इकोनॉमी की बात करते हैं. ग्रीनलैंड इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट. जो ग्रीनलैंड है वो किस पे डिपेंड करता है, फिशिंग पे और फिश एक्सपोर्ट. मोस्ट ऑफ द कंट्री इनकम्स कम फ्रॉम फिशिंग इंडस्ट्रीज. ज्यादातर जो पैसा है, इनकम है, वो कहाँ से आता है, फिशिंग इंडस्ट्रीज से आता है. इट ऑल्सो एक्सपोर्ट इन फूड एंड ड्राइड एंड स्मोक फिश. अपार्ट फ्रॉम फिश ये मिनरल्स भी, जैसे आपका लीड और जिंक को भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल स्केल. ठीक है. एंड जो पीपल है आपके सदर्न ग्रीनलैंड के, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, शिप फार्मिंग. ठीक है. और इन सदर्न ग्रीनलैंड प्लांट जैसे कि एज कॉटन, ग्रांस, लीचेंस आपको यहाँ पे दिखेंगे. ठीक है. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. इवैल्यूएशन टाइम. आंसर द फॉलोइंग. विच टू टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड इन पोलर रीजन. कैसी दो तरह क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं. और आपको लोकेशन बतानी है टुंड्रा रीजन पे. एंड राइट द नेम्स ऑफ मेन एनिमल्स. यहाँ पे मिलते हैं मेन एनिमल्स वो लिखने. हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड व्हाट एस्किमोज है. उनके हाउसेस किससे बने होते हैं, इग्लू से भी या फिर पेंस. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इकोनॉमी. इकोनॉमी की बतानी है आपको. नाउ नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. टुंड्रा रीजन आर मोस्टली लोकेटेड. जो टुंड्रा रीजन है वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. विच ऑफ दीज पासेस थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड. आर्कटिक सर्कल. हस्कीज आर यूज टू पिल स्लेजेस. एस्किमोज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड हु माइग्रेटेड फ्रॉम. कहाँ से माइग्रेट करा था इन्होंने, नॉर्थ अमेरिका से. बिग बोट्स यूज बाय द एस्किमोज. जो बड़ी बोट होती थी उसे क्या कहा जाता, उमेक कहा जाता है. उन बोट्स को क्या कहा जाता था, उमेक. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. हम फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे. टुंड्रा रीजन है वो एक्सपीरियंस करता है वेरी कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है. व्हेन द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज फ्रोजन परमानेंटली, उसे क्या कहा जाता है, जो अगर अपर लेयर है कि वो पूरी तरीके से परमानेंटली फ्रोजन है उसे क्या कहा जाता है, पर्म फ्रोज. क्या कहा जाता है, व्हेन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज फ्रोजन परमानेंटली इसे क्या कहा जाता है, पर्म फ्रोस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट इज द टेंट ऑफ एस्किमोज आर मेड ऑफ. किसके बने होते हैं, रेनडियर हाइड के. और किसके हाइड के, द टेंट ऑफ द एस्किमोज आर मेड ऑफ. किसके बने होते हैं, सील के और रेनडियर के हाइड पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मेन व्हीकल ऑफ एस्किमोज. एस्किमोज जिन व्हीकल्स का यूज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द जैकेट. देखो जैकेट जो हुड के साथ एस्किमोज पहनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज परका. इसे क्या कहा जाता है, परका. नाउ आंसर इन वर्ड वर्ड. आपको बताना है कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है. एंड हाउस वेयर एस्किमोज लिव उन्हें क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है. ठीक है. पावरफुल वाइल्ड, पावरफुल वुल्फ बताना है, डॉग की तरह लगता है. ठीक है. एंड द स्मॉल बोट जिनका यूज करते हैं एस्किमोज उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज कायक. क्या कहा जाता है उन्हें, कायक काल. ठीक है. Now, chapter has been completed. हमारी exercise भी complete हुई है. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.